एक बार की बात है, गांव में एक पतंग बनाने वाला रहता था। 15 अगस्त आने वाला था, इसलिए उस पतंग वाले ने अब की बार एक बड़ी सी पतंग बनाने की सोची। अब की बार इतनी बड़ी पतंग बनाऊंगा कि सब गांव वाले देखते रह जाएंगे। फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद लल्लू लाल एक 7 फीट ऊंची पतंग बना लेता है। अरे वाह 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 वाह, आखिरकार मैंने इतनी बड़ी पतंग बना ही ली, अब मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। मैं इसे हमेशा अपनी दुकान पर सजा कर ही रखूंगा। फिर बहुत सारी पतंगे बनाने के बाद लल्लू लाल एक दिन उन्हें अपनी दुकान पर लगाकर बेचने लगता है। अरे पतंग ले लो, पतंगे, छोटी पतंग, बड़ी पतंगा, 1 रुपए की 1 पतंगा, जल्दी आओ जल्दी आओ, पतंग 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 ले जाओ। फिर देखते ही देखते उसकी बहुत सारी पतंग बिक जाती है। तभी 3 मनचले उसकी दुकान पर आते हैं। वे सब उस बड़ी पतंग को देखकर चौंक जाते हैं। अरे लल्लू भाई, ये छोटी पतंग छोड़ो, वो बड़ी वाली पतंगा कितने में दोगे ये बताओ। अरे नहीं नहीं भाई, वो बड़ी पतंग बेचने के लिए नहीं है, इसे तो मैं खुद 15 अगस्त को उड़ाऊंगा। फिर मुन्ना के बहुत कहने के बाद भी लल्लू लाल उसे पतंग नहीं बेचता और मुन्ना गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर रात होने पर वो तीनों दोस्त उसकी दुकान में घुस जाते हैं और वो पतंग चुरा लेते हैं। इस पतंग को सिर्फ मैं ही उड़ाऊंगा। फिर अगले दिन वो तीनों दोस्त मिलकर एक मैदान में उस पतंग को उड़ाने की तैयारी करने लगते हैं। अरे उस्ताद, ये पतंग तो वाकई में बहुत बड़ी है, मुझे तो लगता है इस पतंग के साथ साथ मैं भी हवा में उड़ सकता हूँ। ओकी भाई, वैसे ख्याल बुरा नहीं है, ये पतंग अपने साथ एक आदमी को हवा में उड़ा सकती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है। आओ मेरी रानी, इधर जा रही हो? ए, तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे अभी बताती हूँ। फिर नीलम मुन्ना को एक तमाचा जड़ देती है। मुन्ना गुस्से में आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत मुझे मारती है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। फिर वो तीनों नीलम को पकड़ लेते हैं। उस्ताद, मैं तो कहता हूँ इसे पतंग के साथ बांध कर हवा में उड़ाते हैं, मजा आ जाएगा। फिर वो तीनों मिलकर नीलम को पतंग के साथ बांध देते हैं। अरे नास मिटो, ये क्या कर रहे हो, मेरी जान लेना चाहते हो क्या? अरे मर गई रे। फिर रॉकी और बबलू पतंग का एक कोना पकड़ कर खड़े हो जाते हैं और मुन्ना को कन्नी देने लगते हैं। उस्ताद, हवा सही चल रही है, हम पतंग को ऊपर की ओर छोड़ेंगे, आप इसकी डोर खींच देना। फिर वो दोनों पतंग को ऊपर की ओर छोड़ देते हैं और मुन्ना डोर खींच देता है और पतंग हवा में उड़ने लगती है। अरे वाह 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 उस्ताद, पतंग तो सच में हवा में उड़ने लगी, अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। अरे मर गई रे, कोई मुझे बचाओ बचाओ। अरे नास मिटो, मुझे नीचे उतारो, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। क्यों मेरी राम प्यारी, ऊपर माहौल कैसे है, मजा आ रहा है ना? वही कुछ लोग और भी पतंग उड़ा रहे होते हैं। अरे मनोज, वो देख कितनी बड़ी पतंग हवा में उड़ रही है, चल इससे पेचे लड़ाते हैं। तभी मनोज अपनी पतंग मुन्ना की बड़ी पतंग की ओर लाने लगता है। अरे उस्ताद, वो देखो, एक पतंग हमारी पतंग से पेचे लड़ाने आ रही है, हमें अपनी पतंग बचानी होगी, कहीं पतंग कट गई तो नीलम का क्या होगा। अरे कमबख्त, मुझे पेचे नहीं लड़ाने। लेकिन मनोज मुन्ना की बातों को अनसुना कर देता है और पेचे लड़ा देता है। अरे मर गए रे उस्ताद, डोर खींचो, हमारी पतंग कटनी नहीं चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अरे नास मिटे, जल्दी डोर को खींच, अगर मैं कट गई तो आज नहीं बचूंगी। तभी मनोज मुन्ना की पतंग काट देता है। अरे मर गई रे, अरे कोई मुझे बचाओ। तभी पतंग तेजी से नीचे की ओर आने लगती है और धड़ाम से जमीन से टकराती है और जोर से चीखने की आवाज आती है। वो तीनों बहुत डर जाते हैं। अरे उस्ताद, नीलम का क्या हुआ होगा, कहीं वो मर तो नहीं गई। फिर वो तीनों भागते हुए जाते हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें नीलम पतंग से बंधी हुई मिलती है।
उसके सर से खून बह रहा होता है और उसकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं। अरे उस्ताद ये तो मर गई, अब क्या होगा? अरे भाई मुझे तो पहले से ही डर लग रहा था। डरो नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो जल्दी से इसे खोलो, हम इसे यहीं दफन कर देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वो तीनों नीलम की लाश को एक गड्ढे में डालकर दफन कर देते हैं और पतंग उठाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर से उस पतंग को लेकर उसी मैदान में पहुंच जाते हैं। अरे उस्ताद आज सबकी पतंग काट कर ही घर जाएंगे। फिर वो दोनों फिर से मुन्ना को करनी देते हैं और पतंग हवा में ऊपर उड़ने लगती है। फिर कुछ ही देर में उन्हें पतंग के ऊपर एक चुड़ैल बंधी हुई दिखाई देती है। वो तीनों ये देखकर डर जाते हैं। अरे रॉकी भाई क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ उस्ताद, लेकिन ये चुड़ैल कहाँ से आ गई पतंग पर? पता नहीं भाई, कहीं ये नीलम की आत्मा तो नहीं है? अब क्या करूँ? मुन्ना भाई एक काम करो, पतंग की डोर छोड़ो और चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। फिर जैसे ही मुन्ना पतंग की डोर छोड़ने लगता है वो डोर उसके हाथों में लिपट जाती है। अरे उस्ताद क्या कर रहे हो, जल्दी डोर छोड़ो और भागो यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे रॉकी भाई ये डोर तो छूट ही नहीं रही, ये तो मेरे हाथों से लिपटी ही जा रही है, अब क्या करूं क्या करूं? तभी वो पतंग मुन्ना को अपने साथ खींचने लगती है। अरे मेरी मदद करो, ये पतंग तो मुझे खुद के साथ खींच रही है। फिर मुन्ना की मदद करने के लिए राहुल और रॉकी भी डोर को पकड़ लेते हैं और तीनों खींचे चले जाते हैं। अरे मर गए रे उस्ताद, ये डोर तो मेरे हाथों से भी लिपट गई है, अब क्या करूं? फिर देखते ही देखते पतंग उन्हें अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है। अरे मर गए रे भाई, भाई मम्मी हम नहीं बचने वाले। अरे चुड़ैल जी हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। अरे मम्मी मुन्ना भाई हम तो आसमान में उड़ रहे हैं भाई। आई मम्मी नीलम हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हारी वजह से मेरी जान गई, तुमने मुझे इस पतंग के साथ बांधा था, तुम तीनों की वजह से मेरी जान गई है, अब तुम तीनों भी मरोगे। अरे उस्ताद अब क्या करें, अगर यहाँ से नीचे गिरे तो हम नहीं बचने वाले। मजा आ रहा है ना? तभी एक और पतंग उनकी तरफ पीछे लगाने आती है। अरे मर गए रे, वो देखो उस्ताद एक पतंग इसी ओर हमसे पेच लड़ाने आ रही है। आई मम्मी अब क्या होगा? रॉकी भाई अगर हमारी पतंग कट गई तो डोर के साथ साथ हम भी सीधा नीचे जाएंगे। हाय रे क्या करें? अरे नाश मिटे, तुझे कोई और पतंग नहीं मिली क्या पेचे लड़ाने के लिए? किसी और से लड़ा ले पेचे, किसी और से। तभी वो पतंग तेजी से आती है और उनकी डोर काटती हुई निकल जाती है और वो तीनों तेजी से नीचे की ओर गिरने लगते हैं। अरे मर गए रे, अब हम नहीं बचने वाले। आई मम्मी आई, अरे कोई तो हमें बचा लो। अरे चुड़ैल जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तभी वो चुड़ैल पतंग के साथ वहाँ पहुँच जाती है और उन तीनों को जमीन पर गिरने से बचा लेती है। अरे बच गए रे, रॉकी भाई इसने हमें बचा लिया। चुड़ैल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो।
मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब से तुम्हें उन सब लोगों को जागरूक करना होगा कि इस पतंग के मांझे से हर साल बहुत से पक्षियों की जान चली जाती है। अगर तुम लोगों को इसके बारे में जागरूक करोगे तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ठीक है चुड़ैल जी, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की कोशिश करेंगे। फिर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।